चैप्टर वन पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बेस्ड अप्रोच। अब राइट बेस्ड अप्रोच को रीड करने से पहले एक बार समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, फिर रीड करेंगे। देखो, आज़ादी जैसे ही हुई तो इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, ठीक है। रीड भी करते चलो कि इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, हमने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यार डेमोक्रेसी का मतलब है कि अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास होता है, अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होता है, पावर होता है पीपल के पास। अब क्या सिर्फ ये डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ यही थोड़ी है कि लोगों के पास पावर है, लोगों को एम्पावर भी करना है। एम्पावर का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास और भी अधिकार होने चाहिए। एक है कि लोगों के पास एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, फिर उनके पास फूड भी होना चाहिए, है ना। ये भी सारी चीज़ें आती है डेमोक्रेसी में कि लोगों के खुद के पास पावर होना चाहिए, उनके पास अपनी एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास अपना फूड होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आई। अब देखो यहीं पर ये भी यही लिखा हुआ है कि इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये लाइन तो क्लियर है। ईच गवर्नमेंट विच केम टू पावर टुक एफर्ट्स टू मेक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस मोर प्रोफाउंड। तो बोल रहा है हर गवर्नमेंट जो पावर में आई उन्होंने कोशिशें की, एफर्ट्स डाली कि डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को और अच्छा किया जाए। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों के पास और इक्वालिटी आए, लोग और सबके। देखो जैसे कैसे होता है कि एक चीज़ है कि लोग सब इक्वल हो जाएं, उसके बाद में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आए, सबके पास एजुकेशन आए, ये सब प्रोसेस जब होता है ना इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। जब कभी ये सब प्रोसेस होता है, कौन से प्रोसेस, एक हो गया जिसमें तुम एजुकेशन दे रहे हो, एक हो गया जिसमें तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इन इनिशियल स्टेजेस दिस गवर्नमेंट्स कंसिडर सिटीजन्स एज बेनिफिशरीज। तो जब आज़ादी हुई और शुरुआत में जो सरकार थी वो सिटीज़न को, लोगों को कैसा कंसिडर कर रही थी, एज अ बेनिफिशरीज। अब इसका मतलब समझेंगे, पहले याद रखो कि पहले जब आज़ादी हुई तो सरकार लोगों को कैसे देख रही थी, एज अ बेनिफिशरीज। लेकिन आफ्टर 2000 द अप्रोच टू अ सिटीजन चेंज्ड। लेकिन 2000 जब साल आया, 2000 जब साल आया, तब सरकार का जो अप्रोच था लोगों की तरफ वो बदल गया। अब सरकार लोगों को एज अ बेनिफिशरी नहीं देख रहा, लेकिन कैसे देख रहा है, एज अ राइट ऑफ सिटीजन। अभी दोनों का डिफरेंस समझेंगे। पहले जो थी सरकार लोगों को कैसे कंसिडर कर रही थी, एज अ बेनिफिशरीज। अब कैसे कंसिडर कर रही है, एज देयर राइट। देखो क्या होता है, जैसे कि फूड हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया, ये दो का एग्जांपल लेते हैं। तो फूड और एजुकेशन है, तो जब कभी सरकार लोगों को एज अ बेनिफिशरी देखती है ना, तो सरकार की मर्जी पे है कि वो लोगों को खाना पहुँचाए या ना पहुँचाए, एजुकेशन पहुँचाए या ना पहुँचाए। वो चाहे तो किसी किसी को पहुँचा सकती है, चाहे तो ना भी पहुँचाए, लेकिन वो किसकी मर्जी है, सरकार की मर्जी है। कब, जब सिटीज़न को एज अ बेनिफिशरीज देखा जाता है। लेकिन 2000 साल आफ्टर 2000 ईयर, है ना, 2000 जब आया, जैसे अभी 2023 चल रहा, जब 2000 आया उसके बाद लोगों को कैसा देखा गया, एज राइट। पहले बेनिफिशियरी की तरह देखा गया था, अब कैसा देखा जा रहा है, एज राइट। अब राइट का मतलब क्या हो गया, अब जो फूड है या अब जो एजुकेशन है ये सरकार को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी नहीं था सरकार को, सरकार की डिस्क्रिशन पे, सरकार की मर्जी पे था वो करे या ना करे, कब, जब वो उसको एज अ बेनिफिशियरी देख रहा है। लेकिन 2000 के साल बाद सरकार ने सिटीजन को कैसे देखा, एज देयर राइट। तो अब उसको कंपलसरी ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इंसान का राइट है, सिर्फ उसके बेनिफिट की बात नहीं हो रही, सिटीजन के अब क्या हो चुका है, ये राइट। देखो वही लिखा हुआ है कि इन द इनिशियल स्टेज गवर्नमेंट कंसिडर सिटीजन एज बेनिफिशरीज, लेकिन 2000 का जब साल निकला उसके बाद अप्रोच बदला और अब सिटीजन को कैसा देखा जा रहा है, कैसे कंसिडर कर रहे हैं, एज राइट ऑफ सिटीजन। क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने देखा था फूड और एजुकेशन, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, हेंस राइट टू इंफॉर्मेशन,
education and food security was granted not as beneficiaries but as right of the citizen. इसीलिए right to information हुआ, education हुआ, food security. अब ये beneficiaries नहीं है कि सरकार चाहे तो दे या ना चाहे तो ना दे. अब ऐसा नहीं, अपन अब एक ऐसा हो गया rights of the citizen, अब ये देना ही देना पड़ेगा, citizen का पूरा पूरा अधिकार है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, right based approach. तो राइट बेस्ड अप्रोच में क्या है कि 2000 साल के पहले, 2000 मतलब ईयर 2000 है ना, ये वाला 2000 साल जैसे, तो 2023 चल रहा है, तो इसके पहले क्या था कि एज अ बेनिफिशरी देखा जा रहा था, लेकिन इसके बाद कैसा देखा जा रहा है, उनका राइट देखा जा रहा है. जब बेनिफिशरी देखा जाता है ना, सरकार की मर्जी होती है वो दे या ना दे, लेकिन राइट में सरकार को देना ही देना पड़ेगा. क्या क्या देना पड़ रहा है सरकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी. बस यही पूरा आंसर है. तो एक बार रीड कर लेना राइट बेस्ड अप्रोच, अब शायद समझ आया हो और इजी हो गया होगा.